यदि हम ध्यान दें तो हर एवेंजर ने अपनी तीसरी फिल्म में कुछ ना कुछ खोया है। यहाँ तक कि एवेंजर्स की तीसरी एवेंजर्स फिल्म में थेनोस से हार गए। तो आइए जानते हैं किस एवेंजर्स ने अपनी तीसरी सोलो फिल्म में सबसे ज़्यादा खोया। कैप्टन अमेरिका ने अपनी तीसरी फिल्म में अपनी शील्ड खो दी, जो कि कैप्टन अमेरिका का सिंबल है। वो अपनी तीसरी फिल्म के बाद अंडरग्राउंड हो गई, इसलिए उन्हें रियली अपनी शील्ड की परवाह नहीं की। और शील्ड सिर्फ उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करती, वो इसके बिना भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। आयरन मैन, जिसने अपनी तीसरी फिल्म में अपना घर और सूट खो दिया, लेकिन वो एक जीनियस करोड़पति था, इसलिए उसने एक नया घर ले लिया और अपनी अगली फिल्म में और भी ज़्यादा आयरन सूट बनाए। स्पाइडरमैन ने अपनी तीसरी फिल्म में सब कुछ खो दिया, क्योंकि उसने अपनी पहचान खो दी थी, लेकिन आंट मे को छोड़कर सभी जीवित है, इसलिए यदि वह चाहे तो सब कुछ वापस पा सकता है। और फाइनली नंबर वन पर है थॉर, जिसने अपनी तीसरी फिल्म में अपने पिता, अपना पसंदीदा हथौड़ा, अपने दोस्त, अपनी आँख और अपना प्लेनेट खो दिया। वो सभी 1500 सालों तक उसके साथ थे, इसलिए इतने कम समय में उन सभी चीज़ों को खोना उसके लिए यह काफ़ी मुश्किल रहा होगा। तो इस वीडियो का लाइक का एम रखते हैं 40 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट करा दोगे। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियोज़ के साथ। बाय।